हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए आज रिहर्सल का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी शशिपाल नेगी ने वीवीपैट मशीन खराब होने पर किससे संपर्क करने तथा कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति में किस प्रकार से काम करना है उसकी पूर्ण जानकारी दी गई। इस रिहर्सल में 500 से अधिक कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी शशिपाल नेगी ने बताया कि यहां दूसरे दौर की रिहर्सल पोलिंग पार्टियों को करवाई गई तथा हमीरपुर 38 विधानसभा क्षेत्र में 98 पोलिंग बूथ है तथा 114 पोलिंग पार्टियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां दो चरणों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक तरफ कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है तथा दूसरी तरफ समानांतर तौर पर वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। और इनको जो है यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग है वो दो सेशंस में करवाई जा रही है। एक सेशन में पोलिंग पार्टीज़ को डिवाइड करके एक हॉल में जो है वो प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर जो है वो इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो कौन कौन सी प्रोसेस कैसे होनी है, जैसे इलेक्शन का मटेरियल कलेक्ट करने के बाद से लेके पूरा मॉक पोल पोलिंग कंडक्ट करवाने के बाद जो हमारा कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे पूरा इलेक्शन मटेरियल जमा कराने तक का जो छोटी छोटी बातें हैं, चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में इनको बताया गया। और साइमल्टेनियसली जो हमारा दूसरा हॉल है वहाँ पे ईवीएम और वीवीपैट को की जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वहाँ पे चल रही है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमारी जितनी चाहे आलोचना खुले मन से करें, लेकिन कम से कम देश की सेना के पराक्रम पर संदेह का उनका मनोबल मत गिराओ। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नदौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान जिलाड़ी, हथौल, गौना, जोलसप्पड़, कश्मीर, लुधियाना में जिन सभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोदी ने साहस दिखाते हुए उरी वो पुलवामा के हमले का जवाब देने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया था, तभी सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने शहादतों का बदला ले लिया, जिसकी सिवाय विपक्षी दलों के देश व विदेशों ने सराहना की है और खुद की सरकारों के शासनकाल में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी के पीछे दौड़ रही है। देश ही नहीं, रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन भी ये जानते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहा है। इसलिए पुतिन ने सितंबर में रशिया में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को दे दिया है। एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने सराहनीय कार्य कर हमीरपुर का ही नहीं प्रदेश पर कभी नाम रोशन किया है। मजदूरों को पेंशन की योजना शुरू की गई है। सामाजिक समरसता और पिछड़ों के हक के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में रणबीर सिंह सहित कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इस अवसर पर राकेश ठाकुर, बीडीसी चेयरमैन विनोद पठानिया, ठाकुर भवानी सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह, पवन शर्मा, सुरेंद्र छिंदा, विजय शर्मा, डॉक्टर अशोक शर्मा, चौधरी चंदूलाल, प्रभात चौधरी, डॉक्टर नरेश ठाकुर, राजकुमार वर्मा, राजेंद्र मंडियाल, विजय शर्मा, राजेंद्र पटेल, महेंद्र सिंह, केसी परवाना, कृपाल सिंह, राकेश सोनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को लेकर कांग्रेसी उग्र हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उपायुक्त सोलन के आदेशानुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पार्किंग पूरी तरह से बैन हो चुकी है, जिसकी वजह से सोलन, शिमला और सिरमौर के लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें टैक्सी चालक, किसान, बागवान और युवा शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पार्किंग न होने की वजह से सभी व्यवसाय बर्बाद हो जाएंगे, सड़क किनारे बनी सब्जी मंडी फेल हो जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस मामले में कुछ संज्ञान ले, अन्यथा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। रमेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं,
जिसमें उन्होंने पर्यटकों को फायदा पहुंचाने के लिए एनएच पर पार्किंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन इसमें प्रदेश सरकार का नाकामयाबी भी है कि वह उनके समक्ष पूरे तथ्य नहीं रख पाए, क्योंकि एनएच पर पार्किंग न होने की वजह से कोई भी एनएच पर वाहन खड़ा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सभी बेरोजगार हो जाएंगे। सभी वर्गों को देखते हुए कुछ समय देती और सरकार उस समय का उपयोग पार्किंग बनाने के लिए करती। अगर सरकार दो तीन दिन के अंदर रिव्यू पटिशन नहीं डालती और आम वर्ग को इससे राहत नहीं दिलवाती तो कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। सोलन की दो बहनों ने सोलन और हिमाचल का नाम राष्ट्रीय चैनल में रोशन कर दिया है। दोनों बहनों ने एमटीवी रूडीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया है। हिमाचल की दोनों बहनों ने चंडीगढ़ और पुणे में ऑडिशन देकर हजारों युवाओं को पछाड़कर इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है। अब ये दोनों बहनें भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हजारों युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में बोल्ड और स्ट्रांग होना जरूरी है और दोनों ने मिलने वाली सभी टास्क को बखूबी से पूरा किया है, जिसे देखकर जजेस भी दंग रह गए हैं। बेटियों की कामयाबी पर उनके माता पिता सत्यदेवी और राजेश कुमार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुखी मन से बताया कि उनका बेटा एक दुर्घटना के कारण आज उनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटियों ने ये साबित कर दिया कि वह बेटे से कम नहीं है। आज बेटियों की वजह से उन्हें सोलन में नहीं बल्कि पूरे भारत में नई पहचान मिली है। उन्होंने बेटियों के माता पिता को संदेश दिया कि बेटियों को अगर उनकी इच्छा अनुसार मौका दिया जाए तो बेटों से बेटियां कम नहीं है। या बहन जा रही है नया है तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व को बहुत ही खुशी की बात है बेटा, बहुत ही खुशी की। मैं कहती हूँ कि सबकी बच्चों को जो है उनसे प्रेरणा मिलेगी और लेनी भी चाहिए, और बेटियों को भी उनसे शिक्षा मिलेगी, और जैसे ही वो आएंगी और तो हम आपको बता देंगे।